दोस्तों नमस्कार, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले जाने वाले नए से नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केचअप के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप स्केचअप के अंदर कुछ भी काम करें तो आप क्या क्या सावधानियां रखें, ये मैं आपको बताता हूँ। क्या क्या जरूरी चीजें, जो बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए स्केचअप में काम करते वक्त, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तो मैंने जो डिजाइन बनाया हुआ है ऐसा, अगर ये मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, आप कोई भी कैसा भी डिजाइन देखिए, ये इतना अच्छा नहीं है, आप काफी अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो वो डिजाइन बनाने के लिए जब भी आप बनाते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखिए वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए हम स्टार्ट से शुरू करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक जो है प्लान है, ठीक है, छोटा सा ये प्लान, अगर मैं इसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी करूं तो क्या क्या सावधानियां मुझे रखनी चाहिए वो, या फिर क्या क्या चीजें जो जरूरी मुझे याद रखनी चाहिए, ना कि सावधानियां, वो चीजें जो मुझे याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको यूनिट्स के बारे में, आप यूनिट्स एक्यूरेसी इसके अंदर ज्यादा मायने रखती है। अगर आप एक्यूरेट चीज करेंगे, एक्यूरेट से मेरा मतलब है उसकी लंबाई ना चौड़ाई, जितना भी साइज आप फिक्स साइज लें ताकि आपका जो जमीन हो उसका रिजल्ट एक्यूरेट दे पाए। जब भी कोई मिस्त्री लगता है बनाता है उस काम को, आपको जो नक्शा बनाते हैं वो एक्यूरेसी के साथ वो बनाए, ठीक है, ताकि माप तोल में कोई कम या ज्यादा ना। तो सबसे पहले आप प्लान लेते हैं, उसका माप तोल दोस्तों सही कर लें, फिट के हिसाब से करना है, आप इंचज के हिसाब से करना, कैसे मीटर के हिसाब से करना है वो आप यूनिट सेटअप कर लें। वो यूनिट सेटअप मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले वीडियो मेरा जो उसमें बता चुका हूँ वहां भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यूनिट सेटअप के लिए आपको विंडोज में जाना पड़ता है और यहाँ पे मॉडल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मॉडल इन्फो पे जाएं, यहाँ पे आप जाके यहाँ पे सबसे नीचे जो होती यूनिट होती है, यूनिट्स में जाके आप यहाँ पे आर्किटेक्चर रखें, ठीक है, और यहाँ पे प्रिसीजन आप ये रख लें। अगर आप और चेंज करना चाहते हैं, डेसिमल में लेना चाहते हैं, इंच की जगह आप फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये चीजें रख सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो आपको चीज याद रखनी है वो दोस्तों जो आप वॉल बनाएंगे, दीवार, वो उसका साइज लेना, आपको 9 इंच लेना है, 14 इंच लेना है, या फिर आपको 4 इंच लेना है, वो आप साइज, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए जब भी हम लंबाई चौड़ाई के हिसाब से उसका एरिया कवर करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें से जो दीवारें होती है वो एरिया कट जाता है, ठीक है। यानी दीवार अगर हम 15 फीट का एरिया उसके अंदर 9 इंच की दीवार लगाएंगे तो 9 फीट एरिया जो है, 9 इंच एरिया उसमें से कट जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। तो ये बातें आपको यहाँ भी ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, आप हाइट की देखें, हाइट अगर आप करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक बार कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर तक मैं हाइट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, जैसे मैंने ये बना लिया, अब आप मैटर कर दीजिए, हमारा जो इंडिया है यहाँ पे अलग अलग एरिया में अलग अलग ऊंचाई पर जो है बिल्डिंग बनाई जाती है, ठीक है। जो सिटीज है उनके अंदर जो हाइट होती है जो बिल्डिंग्स की वो काफी जो है 1 या 2 फीट कम होती है, लेकिन जो लोकल एरिया होता है वहां पे हाइट ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से आप ये भी चीजें ध्यान में रखें, ठीक है। अगर माउंटी अगर यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो उसकी भी हाइट जो फ्रंट है उसका आप ध्यान रखें, कैसे बनानी है आपने। सीढ़ियां, तीसरी बात जो है सीढ़ियां आपको कहाँ से लेनी है वो आप ध्यान रखें कि आपको एल टाइप सीढ़ियां लेनी है। अगर आप देखिए स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो उसमें राउंड स्टेप भी चल जाएंगी, अगर आप स्क्वेयर में लेना चाहते हैं तो उसमें एल टाइप ही ज्यादा अच्छी लगती है, या अगर आप एल टाइप में लगाना चाहते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट भी लगा सकते हैं। वो उस एरिया और स्पेस के ऊपर है कि आप कितना एरिया कवर करते हैं, कितना एरिया आपके पास है स्पेस देने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक बात आप ध्यान रखें, जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाए जो किचन होती है उसका वेंटिलेशन का आप विशेष ध्यान रखें कि उसके अंदर हवा का निकास कहाँ से होगा, ठीक है। अगर आप धुआं भाप है वो कहाँ से पास होगी, ठीक है, वो चीजें आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद आता है कि आप अगर बंद एक पूरा पूरी जो बिल्डिंग है वो बनाना चाहते हैं तो पीछे से उसमें थोड़ा सा जो खुलापन रखें वो बाद में आप यूज कर सकते हैं, इसको कैसे भी ओपन, ताकि पूरे घर में हवा का जो बहाव है एक गर्मी को
जो है बाहर निकालता रहे साथ ही साथ, ठीक है, एक रूटीन में जो उसके अंदर से हवा पास होती रही। तो दोस्तों ये काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद जो हाइट के बाद बात कर रहे थे हम, खिड़कियां दरवाजे कहाँ किस साइड रखे। देखिए कई बार क्या होता है, कई जो लोग हैं वो खिड़की और दरवाजे जो है एक्यूरेट जगह पे नहीं लगाते, या फिर उनके बीच का गैप कम या ज्यादा कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कमरे हैं, दोनों कमरों में दो दो खिड़कियां और दो दरवाजे, ठीक है, लेकिन उनका गैप कम कर देते हैं। ये बात ध्यान रखें, खिड़की और दरवाजा दोनों के बीच चाहे कितनी भी हो सेम गैप रखें। अगर बिल्कुल दोनों सेम है तो दोनों के अंदर, जैसे यहाँ पे मेरे पास जो तो खिड़की दरवाजे, मैंने गैप सेम रखा है, यहाँ पे आपको दिखाने में दिखने में थोड़ा सा कम ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सेम है गैप, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद अब बात करते हैं टॉयलेट और बाथरूम की। देखिए टॉयलेट के लिए बेसिकली नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं, 4 फीट चार चार बाय चार का एरिया आप ले सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं आप। उसके बाद आप जो चाहे जितना बड़ा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना इसके ऊपर एक्सपेंड करना चाहते हैं, कितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं, वो आप स्पेस के हिसाब से आप कितना ही बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और साथ ही साथ देखिए आप इनका मेजरमेंट जरूर रखें, ध्यान में रखिए साथ ही साथ कि आपने कौन सी जो है वॉल जो कितने इंच की क्रिएट की है, गैप दूरी जो है यहाँ से यहाँ जितनी भी, मैं आपको बता दूं कि दूरी मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ की दूरी शो करनी, तो दोस्तों वो दूरी आप शो कर सकते हैं। यहाँ से इसको लेते हैं मैं, यहाँ से ये जो दूरी है देखिए, यहाँ से इतनी दिखा दी, क्यों दिखा दी, अभी 117 मैंने वहां से जो है ये चेंज कर दिया था मॉडल इंफॉर्मेशन में, यहाँ पे डेसिमल में तो आर्किटेक्चर में करते हैं हम, तो देखिए यहाँ हो गया 9 फिट 9 इंच, ये देखिए। तो दोस्तों ये चीजें ज्यादा जरूरी है आपको समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए जो प्लान था हमारा, उसके बाद ही मैंने ये एक बिल्डिंग बनाई, इसमें आपको आगे फ्रंट कहाँ लेना है, जो ऊपर का पोर्शन है, ऊपर का रूम है, वो आपको कितना बैक पे बनाना है, बिल्कुल जो नीचे उसके ऊपर बनाना है, जो रेलिंग है ग्रिल है वो आपको कैसी लेनी है, ठीक है, ये भी आप खुद बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये कुछ बने, अब देखिए कुछ जो है कंपोनेंट में बने हुए मिल जाएंगे आपको, वो चीजें ले सकते हैं। थोड़े जो मॉडर्न स्टाइल देने के लिए आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ आपको, और स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं कुछ लुक वाइज, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप भी कुछ अपना दिमाग ज्यादा यूज करके वो बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए ठीक है मैं स्केचअप जानता हूँ, स्केचअप को अच्छा अच्छी तरह कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं ही अच्छे डिजाइन बनाऊं। काफी बच्चे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते हैं, काफी अच्छे अच्छे मैं भी देख के हैरान रह जाता हूँ, ऐसे ऐसे डिजाइन बनाते हैं। तो दोस्तों ये चीजें आपको देखिए बहुत आगे लेके जा सकती है, अगर आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप अच्छा डिजाइन बनाए। और इंडिया में काफी बड़ा मार्केट है इस चीज का, आप अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में, बस आपकी रुचि होनी चाहिए, ठीक है। जो अभी जो हमने बात करी दो चार बातें कि क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, वो तो हमने रख लिया कर लिया। अब मान लीजिए हमारे पास बिल्डिंग है, उसका जो बैकग्राउंड है जो साइड है वो कैसे, अगर आपके पास ओपन एरिया है तो आप देखिए कुछ भी लगा सकते हैं उसके अंदर, पार्किंग कर सकते हैं, जो है पेड़ पौधे फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपके पास आपके साइड में बिल्डिंग्स है आगे पीछे, तो देखिए आप बिल्कुल कुछ झंझट में ना पड़े, बिल्कुल सीधी अपनी जो सिंपल बिल्डिंग है वो बनाए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, आशा करता हूँ इसमें आपने कुछ जरूर सीखा होगा। अगर दोस्तों आपने कुछ इसमें सीखा है या आपको कुछ इसके बारे में और जानना है, तो आप बेझिझक होके हमारे नीचे जो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपके हर जवाब जो सवाल का जवाब देने के, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।